अस्सलामुअलैकुम। सो हाल में सारे बच्चे पिछली क्लास से शिफ्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास। एल्कीन शुरू कर रखा था, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे और उसके रिएक्शंस का आगाज किया था। एक तफसीली इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया कि एल्कीन बीइंग अनसैचुरेटेड कंटेनिंग डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्या होते हैं एडिशन रिएक्शन ये भी बता दिया, फिर उस टाइप का तस्करा किया जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ने हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये भी बता दिया। अब उसके बाद हमने आपसे कहा था कि देर आर 7 एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विच वी हैव इन आवर सिलेबस। उनमें से दो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स थे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, और हाइड्रोन्यूक्लियर के बाकी पांच हैं जिसमें अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व है। तो होमोन्यूक्लियर कंपैरेटिवली आसान है बहरहाल, तो पहले वो एग्जांपल करते हैं। तो उस होमोन्यूक्लियर की पहली एग्जांपल एडिशन ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में हमारी पहली एग्जाम्पल इत्तेफाक से वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रिपीट टेलीकास्ट है और ये चीज अब राइट आफ्टर दी वन टॉपिक। सिर्फ अभी हमने एल्केन ही तो पढ़ा है, आप देखेंगे बहुत ही तसलसल के साथ अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिपीटिंग रिएक्शंस की तादाद भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा तकरीबन हर रिएक्शन दो दफा पढ़ना है। भाई एग्जाम्पल दी थी और वो यही काम आ रही है, यही रिएक्शन आपने इससे पहले पढ़ा है अल्केन्स की प्रिपरेशन में कि जब किसी अल्कीन की रिडक्शन करते हैं यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो अल्केन बना लेता है, तो अल्केन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन था। और अब यही रिएक्शन अल्कीन के रिएक्शंस में आ गया कि अल्कीन का रिएक्शन ये होता है कि जब वो हाइड्रोजन को ऐड करता है तो वो अल्केन बना लेता है। तो हर रिएक्शन कम से कम दो व्यूज से देखा जा सकता है, एक इस बात से कि कौन सा रिएक्टेंट उसमें इन्वॉल्व है और एक इस बात से कि कौन सा प्रोडक्ट उसके नतीजे में बन रहा है। तो इससे हमें ये फायदा है कि जिस इसी की वजह से तो मैंने आपसे कहा था कि ये 6, 7, 8, 9 तीन चैप्टर जरूर हैं लेकिन ये पूरा एक टॉपिक है, तो ये पूरी एक चीज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं। तो वो कनेक्टेड बातों का एक फायदा भी है ना कि एक ही चीज दो दफा आएगी तो आपका भी तो रिविजन हो रहा है ना। अच्छा, अब इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। ठीक है ना, अब चूंकि किया हुआ है इसलिए मैं फौरन याद आएगी बात, इसलिए मुझे ज्यादा इसके ऊपर फोकस भी नहीं करना पड़ेगा कि जनरल इक्वेशन ये थी इसकी के अल्कीन, ये दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन, सो ऑल अल्कीन्स अंडरगो रिडक्शन दैट मींस दे ऐड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये भी हमें याद है कि यूं तो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो सकता है और तीन बेस्ट है निकल प्लाटिनम प्लाटिनम, उसमें भी हमने आपसे कहा था देयर इज नो हार्म इन राइटिंग प्लाडियम और प्लाटिनम एज वेल हियर, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर हम ये बात भी हमें पक्का याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जब डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो द बेस्ट कैटेलिस्ट इज निकिल और उसकी भी एक पाउडर फॉर्म है जिसको हम कहते हैं रेनी निकिल। तो तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देना होता है, चाहे तो टेम्परेचर लिखे वरना इससे डेल्टा का निशान बनाए, और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड खत्म हुआ। हर कार्बन के साथ दो डैश लगे हुए थे एल्कीन में, इसका मतलब है यहाँ कोई भी हाइड्रोजन या कोई कार्बन हो सकता है, वो अभी भी इसी तरह लगे हुए। तो जो चीजें रिएक्टेंट में थी वही प्रोडक्ट में है, अलबत्ता डबल बॉन्ड खत्म होने की वजह से दोनों कार्बन की दो
एक एक वैलेंसी खाली हो गई तो उसके साथ दो हाइड्रोजन लग गए लाइक दिस. तो ये कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस शुड बी अल्केन. और ये भी याद है जब ये तरीका हमने नंबर फोर मेथड था ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, और आपसे कहा था सारे अल्केन बन जाते हैं सिवाय मीथेन के, क्योंकि जाहिर सी बात है दो कार्बन वाले अल्कीन से दो कार्बन वाला अल्केन बन सकता है, मीथेन तो बन ही नहीं सकता. और फिर इसकी भी एग्जाम्पल सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. इफ यू हैव इथीन विच कंटेन्स टू कार्बन विद डबल बॉन्ड बिटवीन देम एंड इट एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड अ लिटिल हीट, तो ये डबल बॉन्ड खत्म, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और लग गया एंड इट बिकम्स इथेन. तो इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन एटसेट्रा. सो आई कैन गिव वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट्स प्रोपीन. And when it's add, when it adds hydrogen, it becomes propane. तो ये हो गया जनाब वो रिएक्शन जो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ था. तो हमने एज इट इज पूरी की पूरी वही चीज दोबारा दोहराई, और ये मेरा इंशाल्लाह तरीकाकार रहेगा. मैं ये जरूर कहूंगा आपको हर रिएक्शन ये पहले पढ़ के आए हैं, ये पहले पढ़ के, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि चूंकि पहले पढ़ के आए तो अब नहीं पढ़ते. हम फिर पढ़ा देंगे, क्योंकि फायदा ही यही उठाना है कि अगर एक चीज ऑर्गेनिक में दो दफा है तो उसे दो दफा पढ़ें तभी तो फायदा, अगर उसे इग्नोर करके निकल जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा. तो इस बहाने ये वो चीजें हैं, जितना एक्सपोजर आपकी आंखों को मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है. रट्टे से तो होना नहीं है भाई, देख लेना कहाँ लिखी हुई है इंग्लिश सिवाय हेडिंग के, सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. तो ये तो समझ के ही होगी ना, और ये आसान तरीन है बहरहाल. और ये रिएक्शन माशाल्लाह आएगा भी अभी बहुत दफा, भी फिर आएगा, फिक्र नहीं करें, ये बहुत आएगा. ये पूरी सीक्वेंस हमें याद रखनी है. अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड हुआ अल्कीन, अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ अल्केन. तो बहरहाल ये पहला रिएक्शन हो गया, होमोन्यूक्लियर है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन थे, इसलिए ये झगड़ा नहीं खड़ा हुआ कि किस कार्बन के साथ क्या अटैच करें क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन थे. सेम इसी का भाई यानी कैटेगरी ए एडिशन ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में दूसरी एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हैलोजेंस. और है तो वो भी होमोन्यूक्लियर आसान, लेकिन उसमें बहरहाल कुछ तफासील बड़ी अहम है. आइए अब उस एग्जाम्पल को देखते हैं. कम से कम वो तो ये नहीं कहूंगा ना कि पहले से पढ़ी हुई है, वो नई एग्जाम्पल भी होगी. तो नंबर टू एग्जाम्पल है ये अब हमारी. एंड इट इज एडिशन ऑफ हैलोजन. हैलोजन का मतलब X2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो होमोन्यूक्लियर है, जो भी होगा हैलोजन उसका डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा. तो अब इसकी जनरल इक्वेशन एज एक्सपेक्टेड. अब जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि ये सारे एडिशन रिएक्शन एक ही पैटर्न पे है, कि आपने अल्कीन का डबल बॉन्ड खत्म करना है. जो दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे थे दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी. जिस मॉलिक्यूल को आप ऐड कर रहे हैं वो एक का एटम एक तरफ लग जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ लग जाएगा. इसलिए हम एक दफा पढ़ेंगे तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये एक ही रिएक्शन की 7 एग्जाम्पल है. तो अब देखिए हाइड्रोजन वाले रिएक्शन को सामने रखते हुए इसके बारे में तो शायद आप खुद भी जनरल इक्वेशन लिखने के काबिल हों कि जनाब कोई भी अल्कीन ले लीजिए, उसमें हैलोजन को ऐड करते हैं और डबल बॉन्ड खत्म जिस तरह वहां हुआ था, और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा था वहां, यहाँ एक एक हैलोजन लग जाएगा. और इस हिसाब से देखें तो ये बन गया विसिनल डायहैलाइड, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव कार्बन पर अगर एक एक हैलोजन लगा हो तो ये विसिनल है, विसिनल डायहैलाइड बन गया. और फिर आपको याद आएगा हाइड्रोजन हैलोजन के साथ ग्रुप 7A में नहीं रखा जा सकता था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था. तो उसमें एक बात यही लिखी गई थी ऑल्दो दे हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज, एक बड़ा फर्क ये था कि दोनों की रिएक्टिविटी. तो अब देखिए ना हाइड्रोजन ऐड करना था डबल बॉन्ड में तो निकल कैटलिस्ट भी यूज हुआ, हीट भी करना पड़ा. हैलोजन के केस में एरो के ऊपर कुछ नहीं है फिलहाल, देखते हैं इसमें अब क्या आता है. हैलोजन चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ज्यादातर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं. अब इसमें क्या हल्की सी एक्सेप्शन है वो भी आती है, फिक्र नहीं करें. फिलहाल तो ऐसे लिख दी और बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि हेयर एक्स स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो अब लेट अस राइट सम एग्जांपल्स.
तो पहले जरा हेलोजन को फोकस करें, हेलोजन बदल बदल कर अल्कीन फिक्स कर देते हैं, फिर अल्कीन भी बदलेंगे, ठीक है ना। जरा आराम और तफसील से देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल ईथीन, हमारा पहला अल्कीन है तो उससे ले ली एग्जाम्पल ईथीन की, और उसमें ऐड किया हमने फ्लोरीन। डबल बॉन्ड खत्म हुआ, दोनों कार्बन्स पर एक एक फ्लोरीन लग गया और कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी की हिसाब से 1,2-difluoroethane। यही ईथीन है और एडिशन कर रहे हैं हम अब क्लोरीन का। इसी तरह डबल बॉन्ड खत्म हुआ और अब दोनों कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग गया और नाम हो गया 1,2-dichloroethane। तीसरी दफा फिर वही ईथीन। आपको समझ आ गई कि हम हैलोजन बदल रहे हैं, ब्रोमीन, और ये हो गया 1,2-dibromoethane। और आखिरी दफा अब फिर ईथीन के साथ चौथी दफा लिख रहे हैं, और ऑब्वियसली चौथे हैलोजन के साथ आयोडीन। ऊपर जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखी है जज्बात में, ब्रोमीन भाई को ही लिखना भूल गए। तो इसको सही कर देते हैं। और अब आयोडीन, एक ही इक्वेशन चार दफा लिखी है, हैलोजन बदल बदल के। मकसद क्या है भाई इसका? हैलोजन्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना। जब हमने ऊपर ये कह दिया कि अनलाइक हाइड्रोजन इट डजंट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, डजंट रिक्वायर एनी हीट, तो क्या चारों हैलोजेंस इक्वली रिएक्टिव हैं? ऐसा भी नहीं है। अब इनमें भी तो कोई फर्क होना चाहिए। तो हमने नोटिस ये किया कि व्हेन आई रिएक्ट डिफरेंट हैलोजेंस विद द सेम अल्कीन, अल्कीन को फिक्स रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन का है, सबसे तेजी से फ्लोरीन डबल बॉन्ड में ऐड होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे आखिर में इसका मतलब आयोडीन का एडिशन सबसे स्लो होता है। तो आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाते हुए ऐसे कहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे। तो क्यों भाई ऐसा क्यों है? अच्छा, अब मैं एक फैक्ट और बता दूं कि फ्लोरीन अगर ईथीन में ऐड होगा तो ये रिएक्शन इतना विगरस और डेंजरस होता है कि इवन रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। एक बात को जहन में रखना है, टेम्परेचर हर रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। इसलिए जहां जहां भी हम टेम्परेचर लिखते हैं ना, उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि रिएक्शन को अगर बगैर ये टेम्परेचर दिए किया जाए तो ये रिएक्शन स्लो होगा और उसकी स्पीड बढ़ जाती है जब हम हीट देते हैं। तो अगर उल्टा कहूँ, मैं किसी रिएक्शन को ठंडा कर दूं, उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दूं, तो अच्छा खासा जो रिएक्शन हो रहा होगा वो भी नहीं होगा। तो टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है या रिएक्शन रुक जाते हैं, और टेम्परेचर हाई करने से रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है। तो इसलिए अमूमन ये कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे एक रिएक्शन हो रहा हो और अगर हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दें तो वो रिएक्शन भी रुक जाता है। फ्लोरीन के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये इवन रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही बहुत तेजी से हो रहा होता है। फ्लोरीन के सारे रिएक्शन के साथ ये इशू है। तो ये रिएक्शन इवन रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर स्मूथली रिएक्शन कर लेते हैं। क्लोरीन थोड़ा ज्यादा तेजी से करता है ब्रोमीन के मुकाबले में, लेकिन
दोनों का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। फ्लोरीन में मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा है तो रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर हो जाता है। अलबत्ता आयोडीन पर आकर मामला ये हो जाता है कि रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद डबल बॉन्ड इज लिटिल डिफिकल्ट टास्क। तो ये तब होता है जब हम आयोडीन को इथेनॉल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, हीट वीट नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पेशली सॉल्वेंट लाना पड़ता है कि उसमें आयोडीन को डिजोल्व करें और देन इन सोल्यूशन फॉर्म इट कैन रिएक्ट क्विकली। भाई क्यों? हमने कहा यहां सारा इशू है साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सब बीच में मत ले आइएगा, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, अपने ही एटम से मिले हुए हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ इशू ये है कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में सबसे ऊपर आता है, इसलिए कि उसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो अब इमेजिनेशन ये कीजिए कि फ्लोरीन का एटम अगर इस साइज का है, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p5, यानी इसके पास दो ऑर्बिट होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी तीन ऑर्बिट होंगे। ऑब्वियसली जब तीन होंगे तो उसके एटम का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं रफली बना रहा हूँ। तो क्लोरीन का एटम थोड़ा ऐसे बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, और आयोडीन का ऐसे। ये इस तरह से इमेजिन कीजिए कि दिस इज हाउ द साइज इंक्रीजेस। अब इशू ये है कि कार्बन एटम का साइज ऑलमोस्ट क्लोरीन के करीब करीब होता है। तो अब दो कैसे कार्बन जो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये दो कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ दो हेलोजन आके लगने हैं। तो खुद इमेजिन कीजिए कि इस साइज के दो कार्बन एटम्स के साथ फ्लोरीन का लगना तो बहुत ही आसान है। क्लोरीन और ब्रोमीन भी एडजस्टेबल है, लेकिन आयोडीन जितने बड़े साइज का है अगर वो इस क्लोरीन के साथ, इस कार्बन के साथ एक आयोडीन लग जाए तो ये इतनी जगह घेर लेता है कि इसके बिल्कुल बराबर वाले कार्बन पर आयोडीन उसी साइड पर नहीं लग सकता, जगह ही नहीं है। आयोडीन को इस कार्बन के साथ लगाने की एक ही सूरत है कि ये वाला आयोडीन दूसरी साइड पर आ जाए, ऐसे तो सही है। एक एक कार्बन के नीचे की तरफ हो तो एक ऊपर की तरफ, दोनों सेम साइड पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब होता यह है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जब ऐड होने आते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों हैलोजन एक ही साइड से दो कार्बन पे जुड़ जाएं चलेगा, अलग अलग साइड से जुड़ जाएंगे और भी अच्छी बात है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो जिस साइड से आएंगे रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन जब आयोडीन की बारी आती है तो वहां आवाज लगती है, रुक जाओ भाई, एक इधर से तो एक पीछे से आना, दोनों एक साइड से बताना जगह नहीं है, जगह नहीं। तो आयोडीन को अपनी ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ती है, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं ताकि और स्मूथ तरीके से रिएक्शन हो सके। तो आयोडीन को अपने बड़े साइज की वजह से हिंड्रेंस फील होती है एज कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस। दैट्स वाई जब हमसे अगर ये कहा जाए व्हाट इज द ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो वो तो हमने बता दिया, रीजन भी लिखें तो क्या है, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू विच एडिशन ऑफ हैलोजन टू डबल बॉन्ड becomes difficult, hence rate of addition of halogen decreases from fluorine to iodine। तो अब आप देख लीजिए, रीजन आज तक कभी 30 साल हो गए पूछा नहीं है, सच्ची बात यह है। लेकिन मैं अमूमन ये कि एक छोटा सा पैरा लिख दें समझ के लिए भी, कि फ्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू विच एडिशन ऑफ हैलोजन टू डबल बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट, हेंस रेट ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन या इंक्रीजेस फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन, एक ही बात है, जुमला जैसे भी लिखना चाहे। साइज बढ़ेगा
तो एडिशन मुश्किल हो जाएगी, ये है मेन थीम। हाँ, ये जो ऑर्डर है इससे एमसीक्यूज बहुत दफा पूछे गए। बड़ा आसान सा होता है तरीका कि वो कह देते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन और इथीन या किसी और का नाम लेकर कह दिया, विल बी फास्टर फॉर और विल बी स्लोअर फॉर, और नीचे चारों हैलोजन का ऑप्शन लिखा होगा। तो सबसे फास्ट फ्लोरीन, सबसे स्लो आयोडीन। तो ये ऑर्डर तो याद होना बहुत ही जरूरी है, अलबत्ता एहतियातन अगर हमें रीजन भी बताओ तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। तो अब ये सिर्फ इथीन के साथ एडिशन हुआ है और उससे जो भी मेरी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपसे डिस्कस की, लेकिन अब एक दो एग्जांपल हायर एल्कीन्स की भी लिख दें तो कम अज कम ये पता है कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है हैलोजन उन्हीं के साथ जाके लगना है और विसिनल डायहैलाइड बनना है हमेशा। तो आइए कोई और एग्जांपल भी देखें। तो अब अगर मैं कहूं एडिशन ऑफ फर्स्ट कर लें क्लोरीन इन प्रोपीन, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरीन प्रोपीन में ऐड कीजिए, ये है प्रोपीन और ये ऐड होगा इसमें क्लोरीन में, तो अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उधर सिंगल बॉन्ड कर दीजिए और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई तो दोनों के साथ एक एक क्लोरीन लग जाए और ये नाम बनेगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एग्जाम्पल की ट्राई कीजिए, इक्वेशन लिखिए और मुझे प्रोडक्ट का नाम हाथ खड़ा करके बताइए। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन 2-butene, अच्छी बात है मैं आपको बना हुआ स्ट्रक्चर तो नहीं देख पाऊंगा, वो तो खैर मैं यहाँ बना दूंगा, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, लेकिन कम से कम आप इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं। हया जावेद बेटा बताइए। सर 1,2-bromobutane, 1,2-bromobutane, डाइब्रोमोब्यूटेन, अभी भी इसमें गलती है, चलो कोई बात नहीं और से सुनो, अभी दूसरे जवाब दे रहे हैं। सकीना बेटा बताइए। जल्दबाजी नहीं करनी, देखो ये है 2-butene, आपने 1-butene आंसर मुझे दे दिया, 2-butene का मतलब डबल बॉन्ड ऐसे है, ठीक है 2-butene। अब इसमें अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं तो भाई देखिए कि जो दो कार्बन मेरे पास डबल बॉन्ड लिए हुए वो ये है, इनके दरमियान से डबल बॉन्ड खत्म होगा, दोनों सी एच है सी एच ही रहेंगे, दोनों की एक एक जो वैलेंसी खाली हुई है उन दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन लगेगा और इस तरह ये नाम बनेगा 2,3-dibromobutane, ठीक हो गई बात। ये हो गए जनाब वो दो रिएक्शंस जो एडिशन की पहली दो एग्जांपल्स हैं, मगर ये होमो न्यूक्लियर है, अभी हमें आगे अंदाजा होगा होमो न्यूक्लियर की वजह से कितना फायदा हुआ है, बड़ा ये आसान तरीन रिएक्शंस कहलाते हैं। इसमें हमने एक छोटी सी बात बढ़ा दी कि बस हैलोजन का आपस में कंपैरिजन कर दिया, वरना तो ये कुछ भी नहीं था। अलबत्ता अब जो अगला आ रहा है उसमें जरा हमें अलर्ट रहना है, तो आइए अब ये है कैटेगरी नंबर 2 एडिशन ऑफ हिड्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स,
और इसमें हमारी एग्जाम्पल, टोटल एग्जाम्पल चूंकि थ्री है तो नंबरिंग में वही रख रहा हूँ, इसकी पहली एग्जाम्पल है लेकिन टोटल थर्ड एग्जाम्पल है, और ये है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। पहले अलग हाइड्रोजन का अलग था, हैलोजन का अलग था, अब हमने उन दोनों का कंपाउंड पिक कर लिया HX, हैलोजन एसिड। ऑब्वियसली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हैलोजन की जगह चारों हैलोजन आ सकते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं जनाब इसकी जनरल इक्वेशन से। कोई भी अल्कीन ले लीजिए, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल अल्कीन्स, और उसमें हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, बहुत रैपिड एडिशन है, नतीजा क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई, अब एक के साथ एच लगेगा, एक के साथ एक्स लगेगा, दो अलग अलग है ना, हाइड्रोन्यूक्लियर हो गया है। पहले दोनों जगह एच होता था बड़े मजे से लगा देते थे, या दोनों जगह हैलोजन होता था बड़े मजे से लगा, अब एक के साथ एच, एक के साथ एक्स। अच्छा भाई, अब इसमें भी सबसे पहले जरा मैं तमाम हैलोजन एसिड्स का कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। तो हमने सबसे पहले बात की कि अगर आपके पास है इथीन एज अल्कीन और आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, तो जनाब एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा, वो CH2 से CH3 हो गया, दूसरे के साथ फ्लोरीन लगेगा, ये हो गया जनाब फ्लोरो इथेन, अल्काइल हैलाइड बन गया टेक्निकली देखा जाए तो। अच्छा, इसी तरह फिर रिपीट करते हैं, इथीन HCl से रिएक्शन करेगा तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा, वो CH3 हो गया, दूसरे के साथ क्लोरीन, और ये बन गया क्लोरो इथेन। सेम रिएक्शन HBr के साथ, रिजल्ट भी सेम, बस अब जहां क्लोरीन लगा हुआ था वहां ब्रोमीन लग गया, आपने कहा ब्रोमो इथेन। आयोडो इथेन। अब जब हम ये एग्जाम्पल लिखते हैं ना, खासतौर पर भी पीछे भी लिखते हैं, बड़ा एहसास होता है भाई क्या है सर, एक ही रिएक्शन चार दफा लिखना है, बस ऐसे ही कह देते एक लिख के कि इसका रिएक्शन इससे भी होगा, इससे भी उससे हो। तो ये अब बड़े बूढ़ों वाली बातें भाई, हमारे टीचर कहा करते थे कि ये बड़ा जरूरी स्टफ है, जो बच्चा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ऑर्गेनिक का वो तो कह सकता है, और वो तो हम लिखवा रहे होंगे तो वो एक ही एग्जाम्पल लिखेगा छोड़ो, लेकिन जो सीख रहा है ना पहली पहली दफा, जो कि आप सब हैं, उसके लिए ये रिएक्शन फोबिया दूर करने का बड़ा अच्छा तरीका है। हमें रिएक्शंस लिखने की अभी इतनी अच्छी आदत नहीं होती है, और खुद से तो जाहिर सी बात है, हम तो रट्टे वाली इक्वेशन तो फिर लिख लेते हैं, खुद कौन बनाए। तो अब इतना आसान स्टफ होता है ना तो दिल चाहता है अब एक ही रिएक्शन बार बार लिखूंगा, जरा मेरा खुद का भी आदत होगी, अभी हमारे अंदर तो इतनी भी आदत डेवलप नहीं हुई है कि हम अगर इथीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता कि CH2 CH2, उसमें भी CH3 लिख देते हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, CH3 भी आ रहा है, जादू चल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि इस बहाने हमें थोड़ी सी अहमियत इसकी इसकी थोड़ी सी आदत पड़ेगी। अच्छा, अब जरूरत भी थी, जरूरत क्यों थी, अब हम फिर कंपैरिजन करना चाहते हैं कि चारों हैलोजन एसिड में कौन तेज है कौन स्लो है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब की दफा ऑर्डर अपोजिट है, क्योंकि भाई अब साइज का कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, साइज का कोई रोल नहीं है। बोले क्यों नहीं है, इसलिए बेशक आयोडीन बहुत किंग साइज है, लेकिन भाई एक है ना, दूसरा तो हाइड्रोजन है, चुनना सा एटम। तो अब आयोडीन एक जितना भी बड़ा हो और एक कार्बन के साथ अटैच होकर जितनी भी जगह घेर ले दूसरे कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन अटैच होना है, वो इतना छोटा सा एटम है, उसकी जगह तो बनी जाएगी। इसलिए किसी का साइज बड़ा है या छोटा है उसे ना तो उसका कोई एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है, तो यहाँ ये मामला है ही नहीं, साइज की तो भूल जाइए आप। अब यहाँ क्या रीजन है और ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है, सबसे तेजी से हाइड्रो आयोडिक एसिड ऐड होता है,
और हाइड्रोफ्लोरिक का रेट सबसे स्लो है, यानी अब अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज दी रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का हिसाब किताब ये है कि एच आई का रेट सबसे ज्यादा है और एच बी आर, उसके बाद फिर एच सी एल और फिर एच एफ. दैट मीन्स लाइक दिस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. That's why this comparison is very important. ना अब अगर blanks में पूछते हैं ना, तो अब दो अलग अलग हो गए ना, तो अब इम्तिहान तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग ये भूल जाएंगे कि जब सिर्फ होमोन्यूक्लियर है तो उसमें फ्लोरीन अव्वल नंबर पे है और आयोडीन आखिर पे है, और जब एसिड बन जाते हैं ये एच एक्स की फॉर्म में है हैलोजन एसिड, तो फिर एच आई सबसे आगे है और एच एफ सबसे पीछे. तो अब ये कंपेरिजन ऐसे दो चार आगे और भी आगे आएंगे तो टाइम पर सही याद आ जाए, यही तो सारा गेम है. अच्छा, अब यहाँ चूंकि साइज का फैक्टर नहीं है, फिर क्या फैक्टर है? फिर भाई फैक्टर ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एच अलग होगा और हैलोजिन अलग होगा, तभी ऐड होंगे ना, क्योंकि एक कार्बन के साथ एच लगना है, एक के साथ आए. तो अब यहाँ इस बात की इंपॉर्टेंस है कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. अरे भाई, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से. पोलैरिटी जहां ज्यादा होगी, जहां जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड होगा उसे तोड़ना उतना मुश्किल है. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की. सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका हुआ? एचएफ का. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टूटता ही बड़ी मुश्किल से है. जब वो मुश्किल से टूटेगा तो एडिशन भी मुश्किल से होगा. एच आई में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम हैलोजन्स में सबसे कम है, इसलिए उसका बॉन्ड सबसे कम पोलैरिटी रखता है और आसानी से टूट जाता है. इसीलिए अगर आपको याद हो तो कोवेलेंट हाइड्राइड में, ये हाइड्राइड भी तो है ना, कोवेलेंट हाइड्राइड में आया था कि ग्रुप 7 के हाइड्राइड एसिडिक हैं और उनके एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. भाई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो वही होगा ना जो पानी में जाकर आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा. तो पानी में जाकर वही आसानी से डिसोसिएट होगा जिसका बॉन्ड वीक होगा. तो इन सारी बातों का एक कहिए ना एक पॉइंट पर आकर मिलती है. एच आई तमाम हैलोजन एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूटता है, और इस वजह से टूटता है क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम हैलोजन्स में कम है, इसलिए उसका बॉन्ड सबसे कम पोलैरिटी रखता है, सबसे आसानी से टूटता है. तो अब मैं मुख्तसर से अल्फाज में ये बात यहाँ लिख दूं अगर, तो From fluorine to iodine, electronegativity decreases due to which bond strength of HX bond also decreases from HF to HI. तो फ्लोरीन से आयोडीन एक्टिविटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एच से डिक्रीज होती है. देयरफॉर रेट ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स इन एल्कीन इंक्रीजेस from HF to HI. फिर वो याद दिला दूं, ये भी रीजन आज तक नहीं पूछा गया, रीजन नहीं पूछा गया कभी, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये हमसे कई दफा MCQ से पूछा गया, बुक भी खोलकर देखेंगे तो उन्होंने भी ये ऑर्डर हाईलाइट किया है, रीजन को नहीं डिस्कस किया.
लेकिन हमने एहतियात नहीं किया है कि एक तो इससे याद रहने में भी आसानी रहेगी और कुछ पता नहीं होता इनका भाई किस दफा क्या सरप्राइज दे बैठे, तो डिस्कस तो हुआ ही है तो इसलिए हमें आना चाहिए। ये तो हो गई जनाब बात सिर्फ अल्कीथीन में हेलोजन एसिड ऐड किया है अभी, ठीक है ना, और उसी में ये सारी बहस हो गई आपके सामने है, सारी बहस हो गई इसी में। तो अब अगला काम ये है कि और भी तो अल्कीन में एडिशन करवा के देखे ना, ये हमने ये वाले तो कर दिए सब, ठीक है ना, ये सब एक ही इथीन में सारे हेलोजन एसिड कर। अब हेलोजन एसिड का आपस में जो कंपैरिजन कराना था वो तो करा लिया, पता लग गया कौन तेज कौन स्लो। अब जरा अल्कीन वेरी करे ना, क्योंकि यहाँ अब असल कहानी सामने आएगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी। और वो क्या है, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि एडिशन ऑफ से HCl इन प्रोपीन तो क्या होगा, जैसे ही हम आपसे ये बात कहेंगे वैसे ही ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये रहा प्रोपीन, ये रहा HCl, मैंने आपसे कहा ऐड करें, ठीक है ना, कंडीशन तो कुछ आई ठीक है, आपस में हमने मुकाबला कराया तो HI सबसे आगे निकला, लेकिन रिएक्शन सबका रूम टेम्परेचर पर ही हो रहा है, कोई हीट वीट कहीं पे भी नहीं देनी पड़ी। तो अब HCl के साथ जब एडिशन करवा रहा हूँ प्रोपीन का, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या बनेगा प्रोडक्ट। हमने कहा सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, सवाल ये पैदा हुआ हाइड्रोजन किसको दें और आयोडीन किसको दें, क्लोरीन किसको दें, क्योंकि अगर मैं H इस वाले एटम को देता हूँ, इसे H देता हूँ और इसे क्लोरीन देता हूँ, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा, और अगर रिवर्स कर देता हूँ कि इसे क्लोरीन दूं और इसे हाइड्रोजन दूं तो 1-क्लोरोप्रोपीन बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये तो वही वाली बात आ गई जैसे हमने वहां की थी एलिमिनेशन के वक्त। तो इसका मतलब है अब आपको बताना पड़ेगा कि जब हम HCl ऐड कर रहे तो मैं हाइड्रोजन किस को दूं, क्लोरीन के कार्बन को, 1-क्लोरोप्रोपेन बनाऊं या 2-क्लोरोप्रोपेन बनाऊं। तो जिस तरह डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम एटम रिमूव करते थे ताकि डबल बॉन्ड बने, उसका रूल था सेट्ज़ेफ रूल, ये तो उलट हो गया ना, डबल बॉन्ड में ऐड कर रहे हैं ताकि वो डबल से सिंगल बॉन्ड बने, तो इसका रूल कहलाता है मार्कोनिकोफ्स रूल। कि सेट रूल का किताब में तस्करा नहीं है, उसको इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर, तो इसकी तो है नहीं ना। तो अब रूल सब एडिशन के लिए दिया, क्यों होमोन्यूक्लियर में जरूरत ही नहीं है। तो इन एडिशन रिएक्शंस नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेड मॉलिक्यूल ऑलवेज अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर हाइड्रोजन एटम्स। क्या बात हुई कि आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो दो एटम आपस में ऐड हो रहे हैं उसमें से कौन नेगेटिव है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बहस हो चुकी है हैलोजन का, सबको पता है, तो Cl नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, वैसे भी ये हैलोजन एसिड है तो H तो पॉजिटिव ही होना है ना। तो आपसे कहा गया वो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ लगाइए डबल बॉन्ड बनाने वाले जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो अब देखिए मुकाबला इनके बीच है, जिन्होंने ब्लू कलर से सर्कल किया हुआ है, जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से लेफ्ट वाले पे CH2 है और राइट वाले पे CH है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन किस कार्बन से लगना चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, यानी CH से लगना चाहिए, विच मीन्स के इस रिएक्शन के अगर मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक करेंगे तो सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन लगना चाहिए और फर्स्ट पे हाइड्रोजन। तो फर्स्ट CH2 से CH3 हो गया और सेकेंड वाले के साथ क्लोरीन लगा और मेन प्रोडक्ट बना 2-क्लोरोप्रोपेन। तो अब आप जब भी एडिशन करेंगे हायर एल्कीन्स का और उसमें आप हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यू आर सपोज टू फॉलो मार्कोनिकोफ्स रूल।
इट इज नॉट ओनली फॉर एच दिस पर्टिकुलर एडिशन, आपको 5 एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं जो हिड्रोन्यूक्लियर के हैं, सब में आप इसी रूल को फॉलो करेंगे. सो ये दिस रूल गोना बी फॉलोड बाय नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शंस जो अभी आगे आ रहे हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता आदत डलती चली जाएगी. तो ये पहली एग्जाम्पल थी, इसमें रूल डिस्क्राइब किया. दूसरी एग्जाम्पल में आपको मौका मिलता है कि आप इस रूल को अप्लाई करें. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज एडिशन ऑफ एच बी आर इन 2-methyl-2-butene. The most important task is to draw the correct structure of 2-methyl-2-butene. कहीं कोई हाइड्रोजन गलत ना लगा दें आप, ये सारा खेल ही उसी का है. तो ये है 2-methyl-2-butene. और इसमें हम ऐड करेंगे HBr. तो अब टास्क ये है कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो ये दोनों हैं. तो अब हेलोजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ब्रोमीन यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेड मॉलिक्यूल शुड बी अटैच्ड टू विच कार्बन, जिसके साथ कम हाइड्रोजन है. अब राइट वाले के साथ CH जो है उसमें एक हाइड्रोजन है और लेफ्ट वाला जो है वो सिर्फ C है. तो जो सिर्फ C है उसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ब्रोमीन को उसी कार्बन से लगना चाहिए जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास एक है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, वो दो हो जाएंगे. तो इसका मतलब है मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये. नाम बनेगा 2-bromo-2-methyl-butane. तो अब चूंकि हमारे पास बहुत सारे